हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको आपके जो पेपर है उसका पार्ट थर्ड कराने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। देखो, इसमें लिखा है टू डाइस आर रोल्ड सिमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सिक्स विल कम एटलीस्ट वंस। जब हम दो डाई फेंकते हैं, अगर आपने एनसीईआरटी में किया होगा तो उसमें प्रोबेबिलिटी जो है हमारे उसके एग्जाम्पल्स में एक बना हुआ है कि जब हम टू डाइस फेंकते हैं तो हमारे जो टोटल आउटकम्स होते हैं बेटा, वो होते हैं 6 की पावर 2, यानी कि 36 होते हैं। तो आपको थोड़ा सा सैंपल साइज बना देती हूँ, लेकिन इसमें हमें जरूरत नहीं है। जैसे हम वन, हमारे पास दो डाई हैं तो 1 के साथ 1 आ सकता है, 1 के साथ 2 आ सकता है, 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, ऐसे ये हो गया। ऐसे ही फिर हमारा 2 के साथ आएगा, 2 के साथ 1, 2 के साथ 2, ऐसे 2 के साथ 6 आएगा, फिर 3 का आएगा हमारा, फिर 4 का आएगा, फिर 5 का आएगा और फिर 6 का आएगा। ऐसे सबके साथ बनेंगे तो ये टोटल हमारे कितने हो जाते हैं बेटा, 36 हो जाते हैं। अब आपसे पूछा है कि जो 6 है कम से कम एक बार तो आए, तो एक बार तो आए आए 2 बार भी आ सकता है। तो देखो, 6 1 वाली लाइन में यहां पर एक बार आया, इसमें एक बार आएगा, फिर इसमें आएगा 3 6 वाली लाइन में, फिर 4 6 लाइन में आएगा, फिर 5 6 लाइन में आएगा, और ये 6 की तो सारी लाइन में आ जाएगा। तो 6 तो यहां पर हो गए बेटा, और फिर 6 तो यहां पर हो गए, फिर 7 8 9 10 11। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, टोटल आउटकम्स हमारे 36, और जो है हमारा 6 कितनी बार आ रहा है, कम से कम एक बार तो आ रहा है 10 टाइम्स, और 2 बार कितनी बार आ रहा है, 1 बार, यानी कि 10 प्लस 1 11। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 11/36। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इसमें दे रखा है 5 tan beta इज इक्वल टू 4, तो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, 5 sin beta माइनस 2 cos beta अपॉन 5 sin beta प्लस 2 cos beta। तो हमें देखो 5 tan beta इक्वल टू 4 दे रखा है, तो 10 beta कितना हो जाएगा हमारा, 4/5। तो हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इसको हम 10 में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। वैसे तो हम इसको एक और मेथड से कर सकते हैं कि देखो, जैसे 10 beta हमारा क्या आ जाएगा, हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 4/5 आ जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हमारी निकल जाएगी, कितनी आ जाएगी, 4 4 16 प्लस में 25, यानी कि हमारी √41 आ जाएगी। और उसके बाद हम यहाँ साइन बीटा की वैल्यू रख दे, कॉस बीटा की वैल्यू रख दे। देखो यहाँ बीटा दे रखा है तो हम इनकी वैल्यू रख सकते हैं। अब या तो हम इस तरीके से करें, या फिर हमारा क्या मेथड है बेटा कि हम इसमें ऊपर और नीचे कॉस से डिवाइड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे डिवाइड किया तो 5 sin beta अपॉन कॉस बीटा यानी 10 beta, फिर यहाँ पे 2 से डिवाइड किएंगे तो 2 cos beta अपॉन कॉस बीटा यानी 2 आ जाएगा, फिर इसको डिवाइड करेंगे तो 5 sin beta अपॉन कॉस बीटा 10 beta प्लस 2। तो ये थोड़ा हमारा इजी हो जाएगा कि हमने ऊपर और नीचे दोनों जगह कॉस से डिवाइड कर दिया। तो यहां पर हम डायरेक्ट अब 10 beta की वैल्यू रखेंगे तो 5 × 4/5 माइनस 2 5 × 4/5 प्लस 2। तो ये हमारा टाइम को सेव करेगा, ताकि हम अपना ये जो टाइम है, कहीं और क्वेश्चन बाय चांस हमें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा या कोई क्वेश्चन की कैलकुलेशन लेंदी है तो हम उसमें टाइम लगाएं ये वाला, ना कि इसमें एनर्जी वेस्ट करें। तो यहां पर ये सिंपल वे है हमारा करने का, 4 - 2 हमारा 2 आ जाएगा, 4 + 2 हमारा 6 आ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा बेटो। अब ये देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजर्शन और रीजन का क्वेश्चन है बेटा। ये जो बहुत आसान होते हैं, बच्चे बड़ा डर जाते हैं इनसे, लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा हमारा। देखो, एजर्शन, इफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज अ 5780, अगर हमें कोई भी दो नंबर है उनका प्रोडक्ट हमें ये दे रखा है और उनका HCF 17 है, तो उनका LCM क्या 340 होगा। तो हमारे ने हमने एक फॉर्मूला पढ़ा हुआ है बेटो कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी अगर दो नंबर A और B हैं तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू में HCF, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हमें कितना दे रखा है, 5780 दे रखा है बच्चों, और HCF हमें कितना दे रखा है, 17। तो इसको 17 से डिवाइड कर देते हैं तो देखते हैं क्या इसके एक बार आते हैं, तो 17 × 3 कितना होता है बच्चों, 51 यानी 6 बजे, 17 × 4 = 68 और 0। तो यानी कि हमारा एजर्शन तो सही आ गया बच्चों। अब इसने कहा HCF इज ऑलवेज अ फैक्टर ऑफ LCM, क्या HCF जो है हमेशा LCM का एक फैक्टर होता ही है, तो ऑलवेज होगा बेटा। जैसे हमने 17 × 1 करते हैं, और अब अगर 340 के फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 2 × 5 × 17। तो जो ये HCF है वो हमेशा ही LCM का जो है फैक्टर होता है। तो इसमें बोथ एजर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू,
ये तो ट्रू हो जाएगा बेटा। अब इसमें का है क्या, रीजन हमारा ये है कि ये तो ट्रू हो गया एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन है। जो ये रीजन है ये इसका करेक्ट है, हमारा एक्सप्लेनेशन इसका सही दे रहा है। तो आप बताओ इसका करेक्ट दे रहा है कि सही नहीं दे रहा, कि एचसीएफ जो है ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम होता है। तो ये इसका करेक्ट है, तो इसका आंसर आ जाएगा ए, बोथ एजर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एजर्शन आर। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ए बी एंड बी सी ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आर डी, हमें ये दे रखा है, ई हमें ये दे रखा है, तो रेस्पेक्टिवली देन बी सी इज इक्वल टू 20। तो क्या बी सी हमारा और बी सी हमारा 20 है। देखो हमने मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी है बेटा, एक ट्राइंगल जो हमने बीपीटी थ्योरम पढ़ी है। देखो ए बी सी यहाँ पर मान लिए हमने, और डी और ई ये जो है हमने यहाँ पर मान लिए। ठीक है, तो और जो ये डी ई है बेटा ये जो है इस लाइन के पैरेलल है। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट, अब मिड पॉइंट है ये वाले हमारे मिड पॉइंट है, तो इसमें हमारा ये दे रखा है ई एफ। तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाली लाइन हमारी क्या हो जाएगी, डी ई जो है इसके क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी बेटा। ठीक है, ये कन्वर्स ऑफ बीपीटी है हमारी, इसके पैरेलल हो जाएगी। अब देखो डी ई की हम डिस्टेंस निकालते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, तो थ्री माइनस माइनस प्लस का थ्री, तो थ्री प्लस थ्री क्या हो जाएगा, सिक्स, सिक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, प्लस फाइव प्लस थ्री माइनस है ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 3 8, 8 का स्क्वायर 64, और इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 100 आ जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 20 हो जाएगी। अब इसका एजर्शन तो सही है बच्चों हमारा, बीसी की वैल्यू हमारी 20 दे रखी है, तो ये हमारी 10 हो गई। अब आगे देखते हैं हमारा, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू द हाफ ऑफ इट। अब ये क्या कह रहा है कि क्या ये इसका एक्सप्लेनेशन सही है, ये हमने नाइन्थ में पढ़ा है बेटा। अगर किसी भी ट्राइंगल की जो मिड पॉइंट है अगर हम उनको ज्वाइन करते हैं, फिर वो जो लाइन हमारी ड्रॉ हो जाती है, तो वो वाली जो लाइन है वो थर्ड साइड के हमेशा पैरेलल होती है और हाफ भी होती है। तो ये भी हमारा सही है, तो बोथ आर ट्रू है, एजर्शन और रीजन ट्रू है, और जो एजर्शन है ये हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन किसका है, एजर्शन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ रीजन जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एजर्शन का। तो ये हमारा कंप्लीट होता है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, अब सेक्शन बी में स्टार्ट होता है। देखो हमें दे रखा है इफ 49x प्लस 51y इज इक्वल टू 499 और 51x प्लस 49y इज इक्वल टू 501। तो हमें x और y की वैल्यू निकालनी है बेटा। ये देखने में डिजिट बहुत ज्यादा बड़ी है और हमें ऐसा भी कुछ नहीं मिल रहा कि इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर हो तो हम उनसे मल्टीप्लाई करें। तो मैंने क्या करा है, फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया 51 से, और सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिया 49 से। तो ये कर लेना, बहुत बड़ी कैलकुलेशन आएगी। तो हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से किया है बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दी हमने 51 से पूरे में थ्रू आउट, और नेक्स्ट वाली में सेकेंड वाली में 49 से कर दी। फिर हमने इनको माइनस करा तो यहाँ पे हमारा 200 आ गया बच्चों। यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे तो 1 में से 1 गया 0, 0 और 6 माइनस 4 2, यहाँ पे 0, 0 और 14 में से 5 गया 9। तो y की वैल्यू हमारी आ गई 900 अपॉन 200 यानी कि 9/2 आ गई है हमारी। नेक्स्ट देखो हमारा, अब हमने y की वैल्यू फर्स्ट वाले में रख दी है, तो 49x प्लस 51 इंटू 9 अपॉन 2, फिर हम इसको इधर ले गए, इसकी मल्टीप्लाई 9 1 9, 9 5 जब 45 अपॉन 2। अब इसको डायरेक्ट माइनस मत कर देना बच्चों, पहले एलसीएम लेंगे हम, 49x इज इक्वल टू 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करी इसकी माइनस 459 अपॉन 2, तो 539 आ गया बच्चों। अब जो ये 49 इसके मल्टीप्लाई था ये डिवाइड में लेगा, और ये इससे पूरा कितनी बार जा रहा है 11 बार, तो 11/2। तो ये हमारे आंसर आ गए, एक्स की वैल्यू आ गई हमारी 11/2 और वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9/2 आ गई बच्चों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा हमारा 22 क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दे रखा है हमें, इफ द इन द गिवन फिगर ए डी अपॉन ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी डी एंड एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, देन शो दैट ट्राइंगल बी ए ई जो है सिमिलर है ट्राइंगल सी ए डी का। देखो हमें एक ये फिगर दे रखी है, इसके अंदर का है ए डी अपॉन में ए ई इज इक्वल टू क्या है ए सी अपॉन में, अब हमें बी डी दे रखा है बेटा, यहाँ पर बी डी दे रखा है। तो अब हमें और ये भी दे रखा है कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के इक्वल है, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमें देखो ये दो जो हमें गिवन लिखना पड़ेगा, तो गिवन में क्या आ जाएगा बच्चों, हमें गिवन ये सारा लिख देंगे कि ए डी अपॉन ए ई
इज इक्वल टू क्या है, ए सी अपॉन बी डी, ये हमें गिवन है, एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, ये हमें गिवन हो जाएगा, हमारा टू प्रूव आएगा। तो टू प्रूव में हम क्या लिखेंगे बच्चों, ट्राइंगल बी ए ई जो है हमारा सिमिलर है ट्राइंगल सी ए डी के, तो ये हमारा प्रूफ हो जाएगा टू प्रूव में। अब प्रूफ देखते हैं, देखो अब मैंने इस ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात कर रही हूं, मैं ट्राइंगल बी ए डी की बात कर रही हूँ बच्चों, ध्यान से देखेंगे, ट्राइंगल बी ए डी की बात कर रही हूँ। अब हमें एंगल वन जो है एंगल टू के इक्वल गिवन है, तो हमने नाइन्थ में एक थ्योरम पढ़ी है कि अगर हमारे किसी भी ये आइसो, अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर एंगल वन ऐसे, अगर अपोजिट एंगल्स ऐसे इक्वल हो जाते हैं, तो इनकी जो साइड या कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वो भी क्या हो जाती है, इक्वल। तो इसका मतलब अगर हमारा वन इज इक्वल टू टू है, तो इसके टू के सामने वाली साइड कौन सी, ए बी, और वन के सामने वाली साइड कौन सी होती है, बी डी। तो हमारा क्या जाए, अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल, तो ये इक्वल हो जाती है, यानी बी डी इज इक्वल टू ए बी, तो ये कैसा ट्राइंगल बन जाएगा हमारा, आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमारा ए बी इज इक्वल टू बी डी आ गया बच्चों। अब जो हमें गिवन में था ना यहां पर, अब हमने यहां पर इसका यूज किया, इस बीडी की जगह हमने क्या रिप्लेस कर दिया, इस बीडी हमारा एबी के इक्वल आ गया, तो मैंने बीडी की जगह क्या रिप्लेस कर दिया बच्चों, एबी रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो अब हमारा क्या बन गया, एडी अपॉन ए इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ए बी बन गया। अब हमें जो दो ट्राइंगल लेने थे बच्चों, मैंने वो दोनों ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल कौन कौन सा लेना है, एक तो ट्राइंगल बी ए ई लेना है और एक ट्राइंगल सी ए डी लेना है, ठीक है। तो अब हमारा ये जो हमने ऊपर लिखा है ना, यही वाला लिख देंगे, AD अपॉन AE इज इक्वल टू AC अपॉन AB, क्योंकि हमने ये प्रूव अब ऊपर कर ही दिया है, यहां पर हमने कन्वर्ट चेंज कर दिया था, BD की जगह हमने क्या लिख दिया था, AB। तो अब हमारा देखो, AD अपॉन में AE इज इक्वल टू AC बड़े वाला ट्राइंगल अपॉन में AB, तो ये आ गया यहां पर। और इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल BAE में देखो और ट्राइंगल CAD में देखो, इन दोनों ट्राइंगल्स में जो एंगल वन है कॉमन है, इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल वन आ रहा है और इस वाले ट्राइंगल में भी एंगल वन आ रहा है, तो एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन क्या हो जाएंगे, कॉमन हो जाएंगे। तो बाय ऐसे ऐसे ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे बेटा, सिमिलर ट्राइंगल हो जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, तो अगर आपको समझ में आते हैं, आप वीडियो को देखते हैं, कंप्लीट वीडियो देखें, बीच में ना छोड़े, सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझे और वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके गाइस।